आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी सुपर टेस्टी कद्दू की सब्जी। मतलब इतनी टेस्टी बनेगी, अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो पहली बार में ही आपकी सब्जी लाजवाब बनकर तैयार होगी। इतना आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करा है और उसमें मेथी दाना आधी चम्मच और आधी चम्मच जीरा ऐड करा है और आधी चम्मच इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे एक हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे रफली कट करा हुआ थोड़ा सा अदरक और इसको 2 मिनट के लिए चला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 प्याज, इसको भी मैंने रफली कट करा है। इसमें मैंने जो सौंफ डाली है या फिर मेथी दाना डाला है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच इसमें धनिया पाउडर और आधी चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और इसमें रफली कट करा हुआ अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और टमाटर को जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस तरीके सब्जी बनाई है और आपकी सब्जी कैसी बनी है। देखिए मैंने टमाटर को ढक करके पका लिया है और इसको स्पैचुला से अब अच्छे से मैश कर देंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपने किसी को घर पे बनाकर खिला दी ना, तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने बनाई है, इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी। मैंने अभी कद्दू को 1 सीटी लगवा ली थी 1 कड़छी पानी डालकर। 1 कड़छी पानी से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आप बॉयल की जगह कच्चा कद्दू भी ले सकते हो, पर उसे पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप कच्चा ले रहे हो तो उसे ढक करके 5-10 मिनट अच्छे से पका लीजिएगा। मैंने बॉयल कर लिया है तो सब्जी फटाफट से बन जाएगी। बस अब इसमें हमने गुड़ ऐड करना है। गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा कि आप कितना मीठा खाते हो। गुड़ ना हो आपके पास तो आप चीनी डाल दीजिए इसमें। खट्टा मीठा कद्दू बहुत ही अच्छा बनता है। और खट्टे के लिए हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। और अब हम इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे कि इसमें खट्टा और मीठा बराबर है या नहीं है। अगर मीठा कम है तो थोड़ा सा मीठा ऐड कर दीजिए इसमें, और खट्टा कम है तो अमचूर पाउडर बढ़ा दीजिए। बस अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और लीजिए हमारा लाजवाब कद्दू बनकर तैयार है। दोस्तों एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।